सो हे व्हाट्सअप, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी ठीक ही होंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने जिम का एक टूर कराने वाला हूँ। तो हाँ, ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है। इसमें मैं अपनी जिम का टूर कराऊंगा, ये बताऊंगा कि मेरी जिम के लिए मेरे कंपनी वाले पे करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताऊंगा कि मुझे कितना पे करना पड़ रहा है और क्या क्या फैसिलिटीज़ मेरे को जिम में मिल रही हैं जिसमें मैं पे कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, देखते हैं जिम कैसी है। और बाकी जब तक के लिए, अभी यहाँ पर स्नोफॉल हुई है और बहुत ख़तरनाक हुई है और अगले 4 दिनों तक अब स्नोफॉल होने वाली है यहाँ पर। तो जल्दी से जिम चलते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये जिम का कुछ ऐसा एंट्रेंस है। यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करने वाला है, यहाँ पे जो भी अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। अगर आप जैकेट्स वगैरह पहन के आते हो तो अंदर वो जैकेट वगैरह पहन के वो लोग वर्कआउट नहीं करते थे, यहीं पे हम लोग जैकेट वगैरह अपनी टांग सकते हैं। अभी मैंने पहन रखी है, बाद में उतारूँगा। तो कुछ ऐसा जिम है। इस साइड जो हमारा वो कार्डियो सेक्शन है, सारा का सारा दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे भी मतलब जो लोग शावर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे शावर वगैरह चेंज करने के लिए शावर कपड़े वगैरह रख सकते हो यहाँ पे और अपना शावर ओवर लेके वापस आ सकते हो। ये कुछ ऐसा जिम है। तो अभी यहाँ के कुछ रूल्स बता देता हूँ जो मेरे को पहले दिन इन लोगों ने बताए थे। जो रूल्स इनके हैं वो, सबसे पहले मेन आपके स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। जैसे मैंने देखा था इंडिया में कभी कभार लोग, मैंने चप्पलों में भी जिम करते हुए देखा है और जीन्स वगैरह में भी आ जाते हैं। बिल्कुल ये सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड है। आपको एक या तो लोअर पहन के आ रहे हो तो, शॉर्ट्स पहन के आ रहे हो तो ठीक है, और हमेशा टी शर्ट में अगर आप जिम करते हो तो वो बेटर रहता है क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहे होते हैं तो अंदर ठंड नहीं होती है। तो जैकेट्स वगैरह पहन के बहुत ही कम लोग जिम करते हैं। मैंने तो बिल्कुल यहाँ पे नेक्स्ट टू ज़ीरो लोग देखे हैं जो जैकेट वगैरह पहन के जिम करते हैं। मैं भी अभी ये जैकेट जाके उतार दूँगा। और जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है कि आपको टावल यूज़ करनी है मुँह वगैरह पहुँचने के लिए। नहीं, आप जिस भी बेंच पर बैठ रहे हो या फिर कोई भी एक्सरसाइज के लिए जो भी जगह यूज़ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप बेंच प्रेस वगैरह कर रहे हो तो आपको बेंच पे अपनी जो टावल है उसे बिछाना है और फिर उस पर लेट के अपनी बेंच प्रेस करनी है। तो ऐसे ही ये भी एक रूल है। और दूसरा, अगर आप कोई भी रॉड या फिर डंबल छू रहे हो या फिर आपने कोई भी मशीन यूज़ करी है तो जहाँ पे आपने अपने हैंड्स को यूज़ किया था यहाँ पे वो सैनिटाइज़र और टिश्यूज़ हैं, आपको उससे उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात है, वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे को जो मेरा, अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा ऑफिस मेरे को इसके लिए पे करता है, मेरी कंपनी मुझे इसके लिए पे करती है, तो देर इज़ अ बिग नो, वो मेरे को इसके लिए पे नहीं करते हैं। और बट हाँ, एक चीज़ है कि वैसे इसका ये लोग बताते हैं कि 60 यूरोज है जो आपको पे करने होते हैं। बट अगर मैं यहाँ का एम्प्लॉय नहीं होता तो मुझे ये 60 यूरोज पे करने होते, बट मैं यहीं का एम्प्लॉय हूँ इस कंपनी का, तो मेरे को यहाँ पर 30 यूरोज पे करने पड़ते हैं। ये ऑफिस की ही जिम है तो मुझे 30 यूरोज पे करने पड़ते हैं यहाँ पे, 32 यूरोज मुझे यहाँ पे करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आया था तो इन लोगों ने मेरे से पूछा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और आपके अकाउंट से वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है इसकी कि 32 यूरोज हर महीने आके इनको पे करने, वो आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट हो जाएंगे। और ये बात मुझे थोड़ी ठीक भी लगी, इतने हेडेक नहीं पालनी है कि मैं भूल गया या फिर हो गया। इन लोग का ऐसा कुछ नहीं है, 1 तारीख को अपने आप आपके अकाउंट में जब रुपए आएंगे तो वो 32 यूरोज कट के ही आएंगे। इसमें सोना वगैरह भी है, वो आप यूज़ कर सकते हो, और मसाजेस वगैरह भी हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप स्विमिंग पूल वगैरह अगर जाना चाहते हो जस्ट आफ्टर द वर्कआउट, वो भी है यहाँ पर, बट उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल्स दे दी हैं कि आपको जिम के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए और यहाँ पे कितने चार्जेस इसके लग रहे हैं। हाँ, तो जो कोई भी मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है और चाहता है कि थोड़ा सा ज़्यादा उसको टाइम दे पाऊँ तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकता है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहीं पर ब्लिंक कर रहा है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो।
मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपका रिप्लाई करूँगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग कन्वर्सेशन हो सकती है हमारी एज़ कम्पेयर टू कमेंट्स में। अगर आपको कोई डिमांड चाहिए, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जो मैं आपके लिए बना सकता हूँ, तो उसके लिए कमेंट्स है। बट आपको अगर कुछ पर्सनल एडवाइस चाहिए या फिर कुछ भी क्वेश्चंस करने हैं तो आप मेरे से DM में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली इसमें रिप्लाई करूँगा आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब करके और लाइक करके ज़रूर जाना। अगर आप ये चाहते हो कि मैं हाउस बिल्डिंग के ऊपर और वीडियो बनाऊं और रिसर्च करके वीडियो बनाऊं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि मेरे को हाउस बिल्डिंग के किस टॉपिक पे अभी वीडियो बनानी चाहिए, और पूरा का पूरा प्रोसेस अगर मुझे समझाना है तो मेरे को अगर ज़्यादा कमेंट जिस भी टॉपिक के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, और प्यार प्लीज़ ऐसे ही बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल। नमस्ते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो।